हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इटालियन भाषा में जो बेसिक कन्वर्सेशन है स्टार्ट करने के लिए। किसी से भी मिलते हैं अपन तो बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए जो अपने को काम में आएगी उसके बारे में अपन आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो किसी भी पर्सन से अपन मिलते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए जो वर्ड है ये होगा चाओ। चाओ का मतलब होता है हाय, जो इनफॉर्मल वे में है। अगर किसी को रेस्पेक्ट देनी है तो उसके लिए बोला जाता है सालवे। सालवे का मतलब होता है हेलो। चाओ का मतलब भी हेलो, हाय, बाय होता है। सालवे का मतलब किसी भी रेस्पेक्ट पर्सन से मिल रहे हैं तो उसको बोला जाता है सालवे। सालवे का मतलब होता है हेलो। उसके बाद में अगर आपके पास कॉल आया है तो आपको रिसीव करना है तो अपने इंडिया में तो हेलो बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे बोला जाता है प्रोंतो। PRONTO। प्रोंतो का मतलब होता है हेलो, आई एम रेडी फॉर योर कॉल, प्रोंतो। उसके बाद में जो वर्ड है ये किसी से भी अपने को पूछना है कि आपको इटालियन आती है, या कोई अपने से पूछ लेता है कि आपको इटालियन आती है, तो उसके लिए बोल दिया जाते हैं पार्ला इटालियनो। पार्ला का मतलब होता है स्पीक, बोलना। PARLA, पार्ला इटालियानो। क्या आपको इटालियन आती है, कोई भी आपसे पूछ ले पार्ला इटालियानो, क्या आपको इटालियन आती है, तो उसके जवाब में आप बोल सकते हैं नो, नॉन में पार्लो, मुझे नहीं आती। उसके बाद में जो वर्ड है ये है नॉन कपिस्को। कोई भी आपसे इटालियन भाषा में बात करे, आपको समझ में ना आए, तो आप बोल सकते हैं नॉन कपिस्को, NONCAPISCO। नॉन कपिस्को का मतलब होता है नहीं, मैं समझा नहीं, मेरे समझ में नहीं आया, नॉन कपिस्को। उसके बाद में जो वर्ड है ये है ठीक, वाबेने। VABENE। वाबेने का मतलब होता है ठीक। उसके बाद में जो वर्ड है यह है किसी से भी रास्ते में अपने को जाना है, कोई बीच में आ रहा है तो उससे साइड मांगनी है या दरवाजे से क्रॉस करना है, तो उसके लिए बोला जाता है परमेसो। PERMESO। परमेसो का मतलब होता है साइड मांगने के लिए। किसी से भी अपने को बोलना है एक्सक्यूज मी, तो उसके लिए परमेसो भी बोल सकते हैं, स्कूजी भी बोल सकते हैं। परमेसो का मतलब होता है साइड, प्लीज़। उसके बाद में जो वर्ड है ये है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो उसके लिए इटालियन भाषा में बोलते हैं नॉन लो सो, NONLOSO। नॉन लो सो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसके बाद में जो वर्ड है ये है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। इसके लिए इटालियन भाषा में आपको बोलना है मी डिस पियाचे, MIDISPIACE। मी डिस पियाचे का मतलब होता है आई एम सॉरी। स्कूजा भी बोल सकते हैं आप, मी डिस पियाचे भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड भी सही है, काम आ जाएंगे आपके। स्कूजा का मतलब भी होता है सॉरी, मी डिस पियाचे का मतलब भी होता है सॉरी। तो ये कुछ वर्ड है दोस्तों, इसके बाद में अगले वीडियो में अपन सीखेंगे